नागपुर गुन्ने शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते ने गुरुवार को न्यू नरसाला स्थित एक अपार्टमेंट में छापा मारकर देह व्यवसाय के अड्डे का पर्दाफाश किया। नागपुर क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते ने गुरुवार को न्यू नरसाला स्थित एक अपार्टमेंट में छापा मारकर देह व्यवसाय के एक अड्डे का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो महिला दलालों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पीड़िता को छुड़वाया है। पैसों का लालच देकर ये महिला दलाल युवतियों और महिलाओं से देह व्यवसाय करवा रही थी। क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग को गोपनीय सूचना मिली कि न्यू नरसाला स्थित प्रज्ञा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल में किराए के एक फ्लैट में कुछ महिला दलाल पैसों का लालच देकर युवतियों से देह व्यवसाय करवा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर पहले तसल्ली की और खबर सही पाए जाने के बाद ही छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान शिल्पा दलाल उम्र 36 साल भिवापुर निवासी और कांता सनोड़िया उम्र 40 साल सिवनी निवासी नामक दो महिला दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक पीड़ित महिला को भी छुड़वाया है। इन महिलाओं ने पिछले एक महीने से इस फ्लैट को 4,000 रुपए किराए पर लिया था और यही से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनसे देह व्यवसाय करवा रही थी। आरोपियों के खिलाफ हुड़केश्वर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। ये आज रोज हम लोग गोपनीय बातमीदार को माहिती मिळाली की न्यू नरसाड़ा इथे धनश्री 2 प्रज्ञा अपार्टमेंट मध्ये एक शिल्पा मनीष दलाल व कांता सुनील सनोडिया या नावाच्या महिला संगनमताने स्वतःला आर्थिक फायदा व्हावा या उद्देशाने ग्राहकांना पीडित मुली उपलब्ध करून देत होते। या संदर्भातली माहिती माननीय DCP सर यांना देऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळावर रेड कारवाई करून दोन महिला आरोपी यांना ताब्यामध्ये घेतले आणि एका पीडित मुलीची त्यांच्याकडून सुटका करण्यात आली। पुढील कारवाई करून पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक मानसे की रिपोर्ट BCN न्यूज नागपुर।